राइजिंग देवा वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा पिंजौर के अर्बन पॉलीक्लिनिक अस्पताल में पर्यावरण दिवस मनाया गया। स्टाफ के सभी सदस्यों को पौधा देकर और अस्पताल के प्रांगण में पौधा लगाकर पर्यावरण को बचाने की शुरुआत की। फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण संरक्षण को अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान करते हुए अध्यक्ष प्रियंका राठौर ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण के कारण पृथ्वी प्रदूषित हो रही है तथा निकट भविष्य में मानव सभ्यता का अंत दिखाई दे रहा है। ऐसे में जरूरी है कि पेड़ पौधों तथा पशु पक्षियों की रक्षा की जाए, यही हमारा अगली पीढ़ी को तोहफा होगा। डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया पॉलीथीन व कांच की बोतल के विषात्मक प्रभाव पर चर्चा की। इनके रिसाइकल में भारी ऊर्जा खर्च होती है। सलाहकार अमिता शर्मा, इवेंट मैनेजर सुरुचि चावला, उपाध्यक्ष सोनिया शर्मा, उन्होंने कहा कि विश्व के 10% देश जो विकसित हैं, वह 90% पर्यावरण प्रदूषण के जिम्मेदार हैं। यही नहीं, इनके कल कारखाने भी कार्बन उत्सर्जन की मात्रा प्रभावी रूप से कम करने को तैयार नहीं होते। उनका प्रयास है कि शेष विश्व जो अविकसित अथवा विकासशील हैं, पर्यावरण विश्व के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है, लेकिन इसको लेकर कोई जागरूक नहीं है। पर्यावरण से सबसे अधिक खतरा शहरों को है। बड़े कारखाने पर्यावरण को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। इस विषय पर गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। तो हम सब लोगों का यही फर्ज बनता है कि हम अपने पर्यावरण की तरफ भी ध्यान दें। तो हमारा आज ये इसीलिए रहा, मैंने सर से बात की, सर हर तरफ से हमें कोऑपरेट करते हैं, हर काम में कोऑपरेट करते हैं। जब भी हम हॉस्पिटल में आते हैं तो इनकी तरफ से हमें यही होता है, हाँ जी ओके, हम साथ हैं और ये काम करेंगे। तो आज भी ऐसे ही हमने पर्यावरण के लिए हमने सोचा कुछ पौधे लगाए जाएँ और कुछ पौधे वितरित किए जाएँ। वो ये मैंने और मेरी टीम ने सारा सोचा और हम लोगों ने इसलिए आज एक बहुत अच्छा काम किया। और मैं लोगों को भी ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो भी आज के दिन कम से कम एक एक पौधा सब लोग लगाएं। और मेरी यही सबसे विनती है, प्लीज़ 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 ये पर्यावरण की तरफ अपनी एक एक पहल सब लोग करें, जिससे हमारे जीव जंतुओं को भी बहुत फायदा मिलेगा, ताकि वो इतनी भरी हुई गर्मी में कम से कम पौधों के नीचे, पेड़ों के नीचे बैठ सकें, ठीक है, और हमारा पर्यावरण भी बचा रहे। पर्यावरण दिवस है जिसके उपलक्ष्य में आज राइजिंग दिवस ग्रुप की तरफ से पेड़ लगाए गए हॉस्पिटल में आके, और उन्होंने साथ में जो हमें और स्टाफ को पेड़ पौधे मतलब दिए भी हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इस बार आप गर्मी देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, हमें पेड़ लगाने की बहुत ज़रूरत है। आज के टाइम पर पेड़ काटे जा रहे हैं, लगाए नहीं जा रहे, तो ये बहुत अच्छी पहल है राइजिंग दिवस ग्रुप की तरफ से। और ये तो हर एक चीज़ में, चाहे टीबी पेशेंट्स को प्रोटीन डाइट देनी हो, किसी लड़की को, जरूरतमंद लड़की की शादी करनी हो, उसमें हेल्प करते हैं। तो इन लोगों का तो बहुत बहुत थैंक यू जो इस समाज में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और आज भी इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। जैसे कि वातावरण इतना दूषित हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, इसको एकमात्र इसका सोल्यूशन है पेड़ लगाना ही। और मतलब हमें चाहिए कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। अगर हम आने वाली अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अधिक से अधिक पेड़ हमें लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे कि ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, आजकल प्रदूषण के कारण जो ये समस्याएं आ रही हैं, स्किन प्रॉब्लम आ रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, और भी कई बीमारियां आ रही हैं, तो ये इसका सबसे बड़ा समाधान है पेड़ लगाए। और हम यही अपील करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक एक पेड़ लगाए, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित हो। हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, तो हमारी जो टीम है वो आज इसने यही किया कि हमने पेड़ लगाए डॉक्टर साहब के साथ मिलकर। तो हमने आगे भी जो है आने वाली पीढ़ी को भी यही बताना है कि जब पेड़ पौधे जब तक यहाँ पे नहीं है, हवा पानी सब रुक जाता है, जिससे कि गर्मी का तापमान आज की डेट में कितना बढ़ गया है, लोग बीमार हो रहे हैं। यही जो पहले हमारे पास जो पेड़ पौधे थे तो किसी के जीवन में बीमारी का नाम भी नहीं था, लेकिन आज जो चल रहा है हमारे पास वो सिर्फ बीमारियाँ ही हैं। तो जो लोग आज एसी की हवा खा रहे हैं उसमें बीमारियाँ ही बीमारियाँ हैं, और जो पेड़ पौधों के लिए रहते थे तो किसी को बीमारी भी नहीं होती थी। तो आज यही संदेश है हमारी तरफ से कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो पेड़ पौधे लगाएं।